हैं जहाँ पर थोड़ी सी नस्बता कम सर्दी होती है। हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा सा उन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे इस विंटर के टाइम पे, और ऑफ कोर्स समर का टाइम होगा फिर तो क्वेटा और इसके आसपास के इलाके फोकस में रहेंगे। ये स्ट्रेटजी होती है और होनी भी यही चाहिए कि इस तरीके से तमाम इलाकों को भी नुमाइंदगी भी मिलेगी और तमाम लोगों की भरपूर कहते ना इंक्लूजन, तो तमाम लोग इस प्रोसेस में, इस खेल के प्रोसेस में और इसके प्रमोशन में इंक्लूड होंगे। फ्यूचर में आप कोई भी एसोसिएशन जो ज़्यादा काम कर रही है, चले अभी हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, किसी की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है कि उनको परफॉर्मेंस अवार्ड दें या उनको अप्रिशिएट करने के लिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई फ्यूचर प्लान है आपका? ऑफकोर्स हमारा फ्यूचर प्लान है और पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा कि जो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं, जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, उसको हमेशा से अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना उनको उनका हक बनता है। और हमारे डिपार्टमेंट का इंशाल्लाह पहले भी होता रहा है और अभी मेरी लीडरशिप में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्रमोट करें, थैंक यू सर, इनकरेज करें ताकि वो बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी दिखाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।